जय श्री राम मित्रों, मैं रविंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। और मित्रों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ हस्त ज्योतिष पर। पिछले वीडियो में हमने आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और कुछ हृदय रेखा के बारे में जानकारियाँ दी हैं। आज हम हृदय रेखा और मैरिज लाइन यानी कि विवाह रेखा पर आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ये किसी अंधविश्वास या आडंबर से प्रेरित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमें अपने पुराने जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वैदिक नॉलेज है, उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। हम इससे कुछ लाभ भी उठा सकते हैं और जो आज की दुनिया में आडंबर वाले कुछ ढोंगी व्यक्ति बन गए हैं उनसे हम बच सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जीवन रेखा यहाँ गुरु पर्वत से निकलकर शुक्र पर्वत को घेरते हुए हमारे मण बंध पर आकर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही यहीं से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है और वो बुध पर्वत तक के नीचे आके यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आज हम आपको जो तीसरी रेखा बताने जा रहे हैं वो है हृदय रेखा और वो यहाँ से निकलती है दोस्तों, बुध पर्वत के नीचे से ऐसे चलते हुए। और ज़्यादातर लोगों के यहाँ गुरु पर्वत शनि पर्वत के बीच में समाप्त होती है। तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि हमारे हाथ में जो रेखा है, जो हमारी ये हृदय रेखा है, ये रेखा निकलती तो 99% यहीं बुध पर्वत के नीचे से है, लेकिन ये समाप्त कई अलग अलग जगहों पर होती है। और यही जो आज हम समझेंगे, यही वो बिंदु हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहीं पास में ही मित्रों हमारी एक विवाह रेखा होती है, लव रेखा भी कहते हैं। व्यक्ति के किससे प्रेम संबंध रहेंगे, कितनी शादियाँ होंगी, क्या वो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कुछ इन दो रेखाओं से ही हम ज़्यादातर अनुमान लगाते हैं या भविष्य कथन करते हैं। तो चलिए आपको हम और बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज हृदय रेखा की, हार्ट लाइन की और लव लाइन मैरिज लाइन की। तो स्थिति प्रथम, बुध पर्वत से आपकी हृदय रेखा शुरू हुई और ये अगर आपके यहाँ गुरु पर्वत के नीचे नीचे खत्म होती है स्थिति पहली। यही रेखा अगर हमारे यहाँ स्थिति दो, सन और गुरु पर्वत के बीच में तीसरी स्थिति यहाँ सन पर्वत के नीचे और भी दो स्थिति होती हैं, यहाँ सूर्य पर्वत के पास और यहाँ नीचे बिल्कुल जीवन रेखा के पास आकर, लेकिन लगभग 98 से 99% हाथों में ये तीन स्थितियाँ ही पाई जाती हैं। तो मैं आपको वही स्थितियाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली स्थिति, अगर आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर आकर खत्म होती है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला, दूसरों के हित में सोचने वाला, भलाई करने वाला होता है, निष्पक्ष विचारधारा होती है, किसी के पक्ष में नहीं बोलता, जो बात सही है वो सही कहता है। ऐसा व्यक्ति हल्के स्तर का नहीं होता है और यह अपनी पत्नी को महत्व तो बहुत देता है लेकिन
इसके जीवन में प्रेम काएं भी बहुत होती हैं, लेकिन ये वैल्यू केवल अपनी पत्नियों की करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंस है। दूसरी स्थिति में ये यहाँ हमारी गुर पर्वत और सन पर्वत के बीच में अगर आपकी हृदय रेखा का रुक रही है किसी व्यक्ति की, आप उसका हाथ देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रमी तो होता है लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचने वाला होता है। ये जातक जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये स्वार्थी कहे जा सकते हैं थोड़े से। ये काफी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ये अपना हित तो उसमें देखेंगे। तीसरी स्थिति हमारी सन पर्वत के नीचे। ऐसे व्यक्तियों पर आप कतई विश्वास ना करें जिनकी हृदय रेखा यहाँ सन पर्वत के बीच में आकर खत्म हो रही है, रुक रही है। ये व्यक्ति बिल्कुल भरोसे करने लायक होते ही नहीं। ये प्रेम तो बहुत करते हैं, स्त्रियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, महिलाओं से बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, लेकिन उनका प्रेम सात्विक ना होकर वासनामय होता है। झूठा प्रचार, नकली शानो शौकत, व्यर्थ का दिखावा इनकी दिनचर्या में शामिल होता है। ये अपना काम निकल जाने के बाद दोबारा लौटकर जवाब नहीं दिया करते। तो हृदय रेखा से हम व्यक्ति को समझ सकते हैं, वो दयावान है, दयावान नहीं है या स्वार्थी है। ये तीन स्थितियां आप यहाँ क्लियर कर लें। अगर हृदय रेखा सन पर्वत के बीच में, क्षमा चाहूंगा, गुर पर्वत के बीच में आकर रुकती है, तो व्यक्ति बहुत ही उच्च विचारों वाला, दयालु, क्षमावान, पत्नी प्रेमी। सन और गुर पर्वत के बीच में यहाँ रुकती है तो आज की दुनिया का आदमी अपनी सोचने वाला, अपने आप में खोए रहने वाला। सन पर्वत के नीचे बिल्कुल यहाँ आकर खत्म होती है रेखा, तो बिल्कुल स्वार्थी, वासनामय, अपना काम निकालने वाला व्यक्ति। एक तीसरी स्थिति होती है सूर्य, चौथी स्थिति होती है सूर्य पर्वत के नीचे। ये बहुत कम हाथों में होती है, और अगर ऐसा है तो सूर्य के नीचे अगर वो रेखा रुक रही है हृदय रेखा, तो व्यक्ति यशस्वी होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय होता है, हो सकता है शादी ही ना करे ऐसा व्यक्ति। उनके हृदय में कठोर बहुत ज़्यादा होती है कठोरता, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता, उनके हाथों में अक्सर ऐसी रेखाएं पाई जाती हैं जो सूर्य पर्वत के पास आकर खत्म हो या हृदय रेखा टूट सी जाए। तो हृदय रेखा का जो हम विश्लेषण करते हैं, व्यक्ति का प्रेम, उसका हृदय कैसा, स्वभाव कैसा है, ये उसकी हम वैल्यू को समझ सकते हैं। अगर हृदय रेखा बहुत ज़्यादा टूट रही है, लहरदार है, तो व्यक्ति का हृदय परेशान रहने वाला है, उसे हृदय रोग हो सकते हैं। दूसरी बात, आप सीधे सीधे समझें, ये रेखा जिस पर्वत की ओर जा रही है उसमें, इस रेखा में उसके गुण आ जाते हैं। गुर पर्वत पर जाए तो गुरुदेव जैसे लक्षण, सन पर्वत पर जाए तो शनिदेव जैसे लक्षण। अगर ये रेखा झुकते झुकते यहाँ दोस्तों आपके जीवन रेखा से मिल जाए तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, कोई रेखा नीचे की तरफ आ रही है, तो आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, आप नेगेटिव सोचने लगे हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की ये हृदय रेखा ज़्यादातर यहाँ आपको मिली हुई मिलेगी, ये गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय रेखा से अगर कोई पतली रेखा नीचे की तरफ आ रही है तो ये भी आपके हृदय की कमजोरी को दर्शाती है। अब हम प्रेम रेखा को समझेंगे, विवाह रेखा। दोनों हाथों में इस विवाह रेखा को देखना चाहिए, मैरिज लाइन, ये एक या एक से अधिक हो सकती है। जो रेखा स्पष्ट बड़ी हो वही विवाह रेखा मानी जाती है। दूसरी रेखाएं लव मैटर हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। ये बुध पर्वत की जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, अगर जितनी दूरी इसके बीच में होगी उतनी शादी आपकी जल्दी होगी। अगर किसी व्यक्ति की ये विवाह रेखा यहाँ सन, यहाँ बुध पर्वत के पास है,
तो इसका मतलब है कि उसके विवाह में समय ज़्यादा लगेगा। हृदय रेखा के पास जितनी ये रेखा है आपकी मैरिज लाइन, उतनी जल्दी आपका विवाह होने की संभावना है। ये रेखा भी साफ़ और सुंदर होनी चाहिए। अगर कटी फटी या लहरदार है तो आपके विवाह में परेशानियाँ आएंगी। ये जितनी रेखाएं होती हैं ये उतनी रेखाएं आपके प्रेम प्रसंग को, या शादी टूट गई या बहुत ज़्यादा हमने प्रेम किया उसको दर्शाती। कुछ रेखाएं यहाँ नीचे भी हो सकती हैं। ये रेखाएं आपको शादी की नहीं है, ये प्रेम प्रसंग है ये भी। अच्छा दोस्तों, अब बात करें हम लव मैरिज की, तो ध्यान रखिए ये रेखा सही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से कोई रेखा, सूर्य पर्वत से एक रेखा निकलकर आपकी यहाँ मंगल पर्वत के पास अगर आ रही है, तो आपका विवाह रेखा जो है, विवाह जो है वो प्रेम विवाह हो सकता है। आपकी मैरिज जो लाइन है वो सही होनी चाहिए। शुक्र पर्वत पर काट छांट नहीं होनी चाहिए। सूर्य पर्वत से एक सहायक रेखा निकलकर आपके मंगल क्षेत्र तक आनी चाहिए। हृदय रेखा आपकी मजबूत होनी चाहिए। ये 4 से 5 कारण ही आपको लव मैरिज आपकी सक्सेस तभी होगी जब ये स्थितियां आपके हाथ में हों। तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, हस्त ज्योतिष प्लम रीडिंग। मेरा छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, आपकी जननी भाषा हिंदी भाषा में मैं आपको कुछ दे सकूं, समझा सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। ज्योतिष एक कला है और कोई भी कला हम इतनी आसानी से नहीं सीख सकते। हमें अभ्यास धीमे धीमे, हमें पर्वतों के नाम, पर्वतों की बनावट, उंगलियों की बनावट, गहराई, रेखाओं का ढलान, बहुत सी चीज़ें सीखने को होती हैं। तो अभी हम बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं, आप जैसे जैसे इन चीज़ों को आत्मसात करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ज्ञान और उच्च होता जाएगा और आप फिर सीख जाएंगे कि हम हस्तरेखा कैसे देखें। कोई भी जानकारी पाने के लिए वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1 सेकंड पहले मैंने कोई बात कही हो और पूरे वीडियो की वही महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो आज मैंने आपको हृदय रेखा और विवाह रेखा जो ये है इसके बारे में हल्का सा बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जनरली आप इसे लाइक करें और शेयर कर दिया करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि और लोग भी इस ज्ञान को पा सकेंगे। मैं पिछले 10 से 12 सालों से हस्तरेखा पर अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी रुचि तंत्र में और ज्योतिष में भी रही है, तो मुझे लगा कि मैं जो चीज़ सीख पाया हूँ वो आप भी सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको कोई फिर भी शंका है, आपकी कोई क्वेरी है, या आप जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट लिखिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं अपने बारे में, कि हम जो नेगेटिव एनर्जी है जिससे प्रेतात्मा बोलते हैं, शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानियां हैं तो मैं अपने यहाँ से उसे ठीक करवा सकता हूँ, वो परेशानियाँ सॉल्व हो सकती हैं। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो परेशान हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये राय सभी के लिए नहीं दे रहा हूँ कि आप इसे माने या ना माने, लेकिन जो परेशान हैं और जो कहीं से जिन्हें आराम नहीं मिल रहा है उनके लिए मैं चाहता हूँ वो मुझसे राय ले सकते हैं, और भगवान ने चाहा तो वो सही भी हो जाएंगे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। मैं जल्द ही कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।